हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपने पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मेटल यानी कि धातु। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भी धातु किसे कहते हैं या धातु क्या होता है। जैसा कि वे तत्व जिसके अंदर भौतिक गुण पाए जाते हो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। भौतिक गुणों की अगर बात करें तो जैसा कि धात्विक चमक, आघातवर्धता या फिर चालकता, ऐसे गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपना दिया हुआ है क्वेश्चन, लैंप का फिलामेंट बना होता है। लैंप का फिलामेंट बना होता है, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि विद्युतिक जो बल्ब होता है उसको बोलता है लैंप, और इसके अंदर दिया हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट उसके अंदर सूक्ष्म आकार का एक दिया होता पदार्थ जो विद्युतीय प्रकाश करता है, तो टंगस्टन का जो फिलामेंट बना हुआ होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अलग है, यानी कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो कोयला, एलपीजी और हाइड्रोजन तीनों क्या है, एक दहन पदार्थ है, यानी कि जलाए जाने वाले पदार्थ एक प्रकार से है। और स्टील एकमात्र ऐसा कौन सा पदार्थ है, दहन पदार्थ नहीं है, तो एकमात्र स्टील ऐसा अलग है, सबसे अलग। तीन नंबर है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत है, यानी कि हाई कार्बन स्टील के अंदर कार्बन की प्रतिशतता को पूछा गया है, 2017 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा 0.5 से 1.5 प्रतिशत। अगर ऑप्शन के अंदर 0.8 से 1.5 भी दिया हो तो ये भी अपना ऑप्शन क्या होगा, सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि वो धातु कौन सी होती है जिसका जो गलनांक सबसे अधिक पाया जाता हो। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एलॉय धातु विमान उद्योग में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातुएं दो प्रकार की होती है, लोह धातु और एलॉय धातु। वे धातु जो चुंबक के साथ में चुंबकन का कार्य करती हो लोह धातु कहलाती है, और एलॉय धातु वो धातु जो चुंबक के साथ में चुंबकन प्रक्रिया न करती हो एलॉय धातु कहलाती है, यानी कि जिसके अंदर लोहे के गुण पाए जाते हो वो लोह धातु, और जिसके अंदर लोहे के गुण न पाए जाते हो वो एलॉय धातु कहलाती है। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम एकमात्र ऐसी धातु है जो यानी कि विमान उद्योग के अंदर इस्तेमाल की जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को बचाने के लिए उसके ऊपर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। बचाने का मतलब होता है उसके ऊपर एक जंगरोधी परत चढ़ाई जाती है, जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज को स्टील में मिलाने पर कौन सा गुण प्राप्त होता है, यानी कि 2018 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीज को स्टील में मिलाने पर कौन सा गुण प्राप्त होता है, यानी कि जब मैग्नीज को स्टील के अंदर मिक्स किया जाता है तो कौन सा गुण हमें प्राप्त होता है। तीन प्रकार के गुण दिए हुए हैं, हार्डनेस, टफनेस और इलास्टिसिटी। तो एकमात्र कौन सा गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी गुण है जो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट आयरन को बनाने के लिए कौन सी भट्टी या फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। भट्टी को ही फर्नेस बोलते हैं, तो रोट आयरन बोलते हैं पिटवा लोहे को। और पिटवा लोहा किसके द्वारा तैयार होता है, पिग आयरन के द्वारा पिटवा लोहा तैयार होता है। और इसमें भट्टी का नाम पूछा गया है, तो भट्टी का नाम क्या हो जाएगा, पुलिंग भट्टी। जैसा कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पुड है लिंग, तो कुछ लोग इसको पुडलिंग बोलते हैं, पुडलिंग नहीं होता है बल्कि ये पुलिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि पैसे पिटवा लोहा और पैसे पिग आयरन और पैसे पुलिंग भट्टी, याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है ये। इसके अलावा एग्जाम्स के अंदर कास्ट आयरन के बारे में पूछा जाता है भी, कास्ट आयरन किस भट्टी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसके भट्टी का नाम हो जाएगा क्यूपोला फर्नेस या क्यूपोला भट्टी। और जलाने के लिए को जो ईंधन होता है उसका नाम होता है कोक। तो कैसे कास्ट आयरन और कैसे क्यूपोला भट्टी और कैसे कोक, ये भी याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। निम्न में से कौन सा भौतिक गुण नहीं है, यानी कि इनके अंदर जो दिया होता है उसके अंदर भौतिक गुण कौन सा नहीं है। तो फ्यूजिबिलिटी एक ऐसा गुण है जो कि क्या है, भौतिक गुण नहीं है। निम्न में से सोल्डर किसका एलोय है, यानी कि सोल्डर किसका एलोय, एलोय बोले तो यानी कि मिश्रण, मिश्रण जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं एलोय। 2017 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। टिन प्लस लेड है जो क्या है, सोल्डर का एलोय है, यानी कि मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपोला भट्टी में जलाए जाने वाले ईंधन का नाम क्या होता है।
तो क्यूपोला भट्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया थी कि कोक जो क्यूपोला भट्टी में जगाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य होती है, यानी कि सबसे तन्य जो धातु होती है उसका नाम है तांबा। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, बीयरिंग बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होती है, यानी कि 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बीयरिंग बनाने के लिए है जो गन मेटल धातु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी गुण के कारण धातु दूसरी धातु को काट सकती है, यानी कि वह कौन सा गुण है जिसके कारण धातु है जो एक धातु दूसरी धातु को काट सकती है। तो कठोरता एकमात्र ऐसा गुण है जिससे एक धातु दूसरी धातु को काट सकती है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 2.7 जो एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व होता है, और अपेक्षित घनत्व की क्या है, कोई इकाई नहीं होती, इसलिए सीधा ही 2.7 लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।